गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं आपको वीआई एडिटर के बारे में बताता हूँ। वीआई एडिटर लाइनस का एक बहुत सामान्य रूप से उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटिंग टूल है। यह एक फुल स्क्रीन एडिटर है जो कि स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक पूरी स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। हालांकि यह इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स व टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं देता है। इंटीग्रेटेड क्या है? संयुक्त रूप। इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त, मतलब संयुक्त ग्राफिक्स व टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं देता है। यह एडिटर टर्मिनल इंडिपेंडेंट है तथा सिस्टम कंसोल के साथ साथ यूजर टर्मिनल पर भी उपयोग किया जा सकता है। वीआई एडिटर में अंतिम लाइन स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए उपयोग होती है। इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए, डॉलर vi स्पेस फाइल नेम, इस प्रकार से हम कमांड देंगे। फाइल नेम जिस जो हमें पहले फाइल बनी हुई है उसको vi एडिटर में खोलना है। इस प्रकार से खोलेंगे तो एक अलग से आपकी स्क्रीन खुल के आएगी, उसमें हम वर्क करेंगे। vi का तात्पर्य यहां विजुअल से है। vi मीन्स विजुअल से है। vi एडिटर तीन विभिन्न मोड्स पर ऑपरेट होता है। वीआई एडिटर के तीन मोड होते हैं। प्रत्येक मोड की अपना ऑपरेशन होता है का एक सेट होता है। ये तीन मोड कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका कमांड मोड। कौन कौन से बताया? फर्स्ट है आपका कमांड मोड, दूसरा है आपका इनपुट मोड, तीसरा है आपका लास्ट लाइन मोड। तीन मोड बताए हमने वीआई एडिटर के, कमांड मोड, इनपुट मोड, लास्ट लाइन मोड। इन तीन मोड के माध्यम से हम वीआई एडिटर में वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमांड मोड के बारे में। कमांड मोड वीआई एडिटर के स्टार्ट होने पर फाइल को डिस्प्ले करता है। जब हम वीआई एडिटर स्पेस फाइल नेम दिया, जब स्टार्ट होता है तो फाइल को क्या करेगा? जो फाइल नेम हमने दिया है उस फाइल को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद यह इनपुट के लिए वेट करता है, प्रतीक्षा करता है। इस समय वीआई एडिटर कमांड मोड में होता है। जब हम फाइल को ओपन करते हैं, जब वो डिस्प्ले होगा तो वो आपको कौन किस मोड में डिस्प्ले होगा? कमांड मोड में डिस्प्ले होता है। एडिटर के फुल स्क्रीन ऑपरेशन के लिए विभिन्न ऑपरेटर डिजाइन किए गए हैं जो कि फाइल के परिवर्तन करते हेतु इनपुट मोड इंटर करने में उपयोग किए जाते हैं। मीन्स जब हम फाइल को ओपन करेंगे कमांड मोड में आएगा, वो आपको वेट करेगा कि आप कोई कमांड दीजिए। जब हम कमांड देंगे तो आपको किस मोड में चला जाएगा? वो इनपुट मोड में चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कमांड मोड में हम लोग कौन कौन से ऑप्शन यूज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हाइफन स्मॉल ओ। स्मॉल ओ क्या करेगा? यह करंट लाइन के बाद न्यू लाइन ओपन करता है तथा कर्जर नई लाइन से प्रारंभ में स्थित होता है। मीन्स जब हम हाइफन ओ का यूज करेंगे, जब हमारा ओपन हो जाएगा, हमने हाइफन ओ किया,
हाइपर मीन जब हमने ओ दबाया, स्मॉल ओ दबाया, इस तरह समझिए इसको, हमने क्या किया, स्मॉल ओ प्रेस किया कीबोर्ड से। जब कीबोर्ड से ओ प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्जर जहां पे था वहां से वो हटके नई लाइन पे आ जाएगा और कहां पे, प्रारंभ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने यहां पे ओ किया और जहां इंटर करेंगे तो जो आपकी फाइल करंट में ओपन होगी, वहां पे जो आपकी फाइल ओपन है उसकी जो करंट लाइन में जहां पे आपका कर्जर है, वहां से उठकर कर्जर आपका कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और कहां पे पहुंच जाएगा, उसकी कर्जर की पोजीशन क्या रहेगी, लाइन के प्रारंभ में पहुंच। जैसे हमने इंटर किया, ऐसे आपको कर्जर ये ब्लिंक करने लगेगा न्यू लाइन के हिसाब से। इसी में आपका नेक्स्ट है आपका कैपिटल ओ, अभी ये स्मॉल ओ था, अब कैपिटल ओ क्या करेगा, यह करंट लाइन के ऊपर एक लाइन ओपन करता है। मीन्स अभी हमारा जैसे हमने कैपिटल ओ दिया और इंटर किया, तो हमारा कर्जर जैसे यहां पे ब्लिंक कर रहा है, जहां हमने कैपिटल ओ प्रेस किया तो हमारा कर्जर करंट लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे आ जाएगा, समझिए इसे। जैसे यहां पे कर्जर ब्लिंक कर रहा है, हमने कैपिटल ओ प्रेस किया तो कैपिटल एक लाइन ऊपर आपका ब्लिंक करने लगेगा। क्लियर है, ये हुआ ऑप्शन। कौन कौन से दो ऑप्शन देखें, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ। स्मॉल ओ क्या करेगा, करंट लाइन से के बाद न्यू लाइन ओपन करेगा, आपका कर्जर पहुंच जाएगा, न्यू लाइन में पहुंच जाएगा और कर्जर की पोजीशन शुरू में होगी, जहां से हम लोग टेस्ट लिखना शुरू करते हैं वहां पे आपका ब्लिंक करने लगेगा। कैपिटल ओ क्या करेगा, करंट लाइन के ऊपर एक नई लाइन आपको में आपका कर्जर पहुंच जाएगा। क्लियर है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या करेगा, यह कर्जर के बाद अगली करेक्टर पोजीशन पर इनपुट एक्सेप्ट करता है। हमने स्मॉल ए प्रेस किया और इंटर किया, अब हमारा जहां पे कर्जर है इसके बाद से यदि हमको लिखना चाहते हैं तो यहां से लिखना प्रारंभ कर देगा, यहां से इनपुट टेस्ट को इनपुट यहां से एक्सेप्ट करने लगेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला है आपका कैपिटल ए। यह ऑप्शन करंट लाइन के अंत में टेस्ट मोड इंटर करता है। मींस हमने कैपिटल ए दिया तो आपके जो कर्जर है, जिस लाइन पे कर्जर है उसके लास्ट में आपके कर्जर ब्लिंक करने लगेगा। मान लीजिए आपके कर्जर यहां पे है, हमने किया तो कर्जर आपका यहां पे लास्ट में पहुंच जाएगा, उस लाइन के जहां पे हमने टेस्ट लिखा है उसके लास्ट में पहुंच के डिस्प्ले करने लगेगा और टेस्ट मोड को इंटर करने की परमिशन देगा। मीन्स हम वहां पे टेस्ट वहां से इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल आई। कर्जर पोजीशन से ठीक पहले इनपुट मोड इंटर करता है। स्मॉल आई हमने करके इंटर किया या स्मॉल आई प्रेस किया, कीबोर्ड से स्मॉल आई प्रेस करेंगे तो जहां आपका कर्जर है उससे पहले यदि हमको कुछ लिखना है तो वो वहां से कर्जर पोजीशन के ठीक पहले इनपुट टेस्ट को लिखने के लिए परमिशन प्रोवाइड करेगा। यहां से हम लिखना शुरू कर देंगे, ये अपना लिखेगा, यहां पे कर्जर से पहले लिखेगा कैपिटल आई। इसके बाद है आपका कैपिटल आई। करंट लाइन के प्रारंभ में इनपुट मोड इंटर करता है। मीन्स जहां पे हमारा कर्जर है, जिस लाइन पे कर्जर है, मान लीजिए हमारा कर्जर यहां पे है, यहां पे हमारा कर्जर है, हमने कैपिटल आई प्रेस किया तो हमारा कर्जर कहां पहुंच जाएगा, उसके उस लाइन के प्रारंभ में ब्लिंक करने लगेगा। इस प्रकार से हमने अभी तीन ऑप्शन देखे, ओ स्मॉल कैपिटल, ए स्मॉल कैपिटल, आई स्मॉल कैपिटल। क्लियर है, इनपुट मोड में टेस्ट इंटर किया जा सकता है, कमांड मोड में वापस आने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। एस्केप बटन होती है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कर्जर कहां पहुंच जाएगा, कमांड मोड में पहुंच जाएगा। क्लियर है, टेस्ट मोड में विभिन्न ऑपरेटर टेस्ट एडिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं जो कि निम्न है।
अभी हमने क्या किया, ये कमांड कहां पे दे रहे थे, कमांड मोड में दे रहे थे। कमांड मोड पे देने पर हमारा कर्जर टेस्ट मोड के लिए लेने के लिए एक्सेप्ट करने लगता है, लेने हम वहां पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब हमको टेस्ट मोड में यूज हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर टेस्ट एडिट करने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले आपका आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर करंट कर्जर पोजीशन पर स्थित किसी करेक्टर को स्पेसिफाइड करेक्टर से रिप्लेस करता है। यह कमांड मोड में होता है। करंट कर्जर पोजीशन पर स्थित किसी करेक्टर को, जैसे हमारा कर्जर जहां पे होगा उस करेक्टर को यदि हमको क्या करना है, किसी दूसरे से रिप्लेस करना है, स्पेशल करेक्टर से रिप्लेस करना है, तो हम लोग स्मॉल आर ऑप्शन का, ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि हमने कैपिटल आर यूज किया, यह करंट कर्जर पोजीशन से प्रारंभ करके करंट लाइन के अंत तक की सभी करेक्टर को रिप्लेस करता है। कैपिटल आर क्या करेगा, पूरी लाइन को रिप्लेस करेगा, शुरू से लेकर जो आपकी शुरू जहां लाइन आपकी प्रारंभ हो रही है वहां से लेकर अंत तक के सभी करेक्टर को रिप्लेस करने के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ सिंगल करेक्टर को यदि हमको रिप्लेस करना है तो स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम इन ऑपरेटर का यूज करके कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं। आगे जो भी आपके इनपुट मोड, लास्ट लाइन मोड, अभी कमांड मोड है, इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार से हम लोग इसमें यूज करते हैं।